अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? शुक्रिया मैडम, मैं कल से यहाँ पर मौजूद हूँ और जलसे का टाइम 3 बजे का था। सुबह 9 बजे से लोगों का आना आमद शुरू हो चुकी है, तो लोग किस उम्मीद और किस जज्बे के साथ आ रहे हैं? यकीनन अपने हालात बेहतर करने की उम्मीद से हमेशा। यकीनन जो कारकर्दगी रही है मियां नवाज शरीफ साहब की और उनकी पार्टी की, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब जब इस मुल्क में महंगाई कम हुई है वो मुस्लिम लीग नून का दौर था, जब जब ये किस मुल्क में गुर्बत कम हुई है मुस्लिम लीग नून का दौर था, तो लोग अपने हालात से परेशान हैं और वो अपने हालात को दुरुस्त करने की उम्मीद से जो है वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पर जो खवातीन हैं उनका ये कहना है, मैंने अभी इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो आवाम है, यूथ है, इसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या इमरान खान यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेकर गए? आपने 9 मई को देखा नहीं, आपने पेट्रोल पम्प बनाने की रेसिपी जो है आपको जमान पार्क के बाहर से सीखी नहीं आपने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बच्चों के हाथ में कलम दिए थे, उनको वजीफे दिए थे, उनको लैपटॉप दिए थे, पर ये मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं ये हक है उनका। उनका हक पेट्रोल पम्प सीखना नहीं है, उनका हक जलाओ घराओ करना नहीं है, उनको उनकी उनके मुस्तकबिल को एक लीडर संवारता है अपनी घटिया सियासत के लिए। दूसरों के जवान बच्चे जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट के केसों में नहीं बिछने पर फंसा। अच्छा मैडम, आपने अगर लैपटॉप कलम दी तो इमरान खान साहब ने नौजवानों के हाथ में क्या दिया? उन्होंने दिए पेट्रोल पम्प, उन्होंने उनके जबान पे दी गाली, उन्होंने उनका उनको जो है जलाओ घराओ करना सिखाया, उन्होंने उनको गाली देना सिखाया, और बाकी तो मईशत भी ठीक हो जाएगी, बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो वो सौगात दे गया है, जो हमारे बच्चों की तबाही कर गया है, ये पता नहीं कैसे ठीक होगा। कब तक मियां साहब यहाँ पर आ जाएंगे? कोई कैमरा ऊपर नहीं है, वो एक भाई AFP है, BBC है, उनको लोकल जो आप फीड देते हैं वो उनको अप्लाई नहीं होती, सो इसलिए दे आते हैं। ठीक है जी मैडम, लास्ट क्वेश्चन, मियां साहब कब तक भंडार में तशरीफ ले आएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।